हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बायो सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया है, ये क्यू चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज हम फाइंड करेंगे। तो मूविंग चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर ये क्यू चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस v वेलोसिटी से मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये वेक्टर v, इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे हम ये स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, आर से आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होती है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को यूज किस तरह से करते हैं, देखिए वेक्टर v क्रॉस वेक्टर r है, यानी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में ये v और r के बीच एंगल थीटा होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में फोर फिंगर करेंगे, और इनको हम जब कर्ल करते हैं यूं वेक्टर r की तरफ कर्ल करेंगे, तो ये थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, पहले जो वेक्टर v है तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में फोर फिंगर करेंगे, और इन फिंगर को हम कर्ल करेंगे वेक्टर r की तरफ। तो इस p पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन आ जाएगी इस तरह से कर्ल करने पे, राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, नहीं, जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो देखिए जो करंट कैरिंग वायर होता है उसके कारण वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखिए मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए मैंने फाइंड किया था, ये मैंने करंट कैरिंग वायर लिया है, इसमें ये मैंने डीएल लेंथ कट की है। तो यहाँ पे हम जो चार्ज होगा उसको डीक्यू चार्ज कंसिडर करेंगे इस डीएल लेंथ के लिए। तो डीक्यू चार्ज यानी क्यू चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी। करंट कैरिंग वायर में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से, तो यहाँ पर इस ये dq चार्ज भी मूव कर रहा होगा। अब इस मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे dq के लिए, तो ये dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा dq वेक्टर v क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब।
मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए जो फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब होता है। अब यहाँ पर डी क्यू चार्ज लिया है तो इसलिए यहाँ पर क्यू की जगह हम डी क्यू पुट कर देंगे। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये डी क्यू, वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर डीएल अपॉन डीटी, वी इज इक्वल टू डीएल अपॉन डीटी होता है और ये क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। तो देखिए ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू अपॉन डी टी आई हो जाएगा और ये वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर ये डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब और आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो इस करंट कैरिंग वायर में इस डी क्यू यानी डी एल लेंथ के वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डी वी की वैल्यू ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये करंट कैरिंग वायर के लिए डी एल लेंथ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए करंट कैरिंग वायर में ये डी एल लेंथ की डायरेक्शन में 4 फिंगर रखेंगे यानी इसको भी हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे। डी एल लेंथ की डायरेक्शन में 4 फिंगर रखेंगे और ये वेक्टर आर इसकी डायरेक्शन में हम इसको कर्ल करेंगे तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ यानी जब फाइनाइट लेंथ का वायर होगा करंट कैरिंग वायर तो उससे यहाँ पर मैंने डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो ये लेफ्ट साइड एंगल अल्फा बनेगा और ये राइट साइड एंगल बीटा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे होती है ये बी पी ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये डी ये म्यू नॉट आई होगा इनटू ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये वैल्यू होती है फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण इससे डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ तो यहाँ पर मैंने ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम पी पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और जो फाइनाइट लेंथ के वायर का फार्मूला होता है यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 को 2 टाइम तो ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण आएगी मैग्नेटिक फील्ड। फाइनाइट लेंथ वायर लेंगे तो सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू ये 0 डिग्री होगी और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो इस कंडीशन में जो P
पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इस फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए जो फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4πd और ये हो जाएगा साइन जीरो, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री है, और प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, साइन 0 0 तो ये 1 हो जाएगा। तो ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πd